और दोस्तों, क्या हालचाल हैं? मैं आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जो बहुत सारे मित्रों की जिज्ञासा शांत करेगी और कई लोगों में नई जिज्ञासा पैदा भी कर सकती है, जिसकी जिम्मेदारी मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा भाई, पहले ही बता रहा हूं। तो भाई, आज मैं बात कर रहा हूं बाटा कंपनी की। क्या कहा, कौन बाटा? अरे बहुत सारे भाई तो जानते भी हैं, और जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूं। अरे भाई, बाटा वही कंपनी है जिसके बनाए जूते चप्पलों के हम में से कई पंखे हैं। अरे अरे नहीं, मतलब फैन हैं, और फैन भी ऐसे वैसे नहीं है, कतई डाई हार्ड फैन है। अरे भाई, खाने में नहीं, पहनने में। अपने भाई की बातों को गलत मत समझा करो यार। तो भाई, वापस मुद्दे पर आ जाओ, बहुत घूम चुके इधर उधर। तो भाई, बाटा के जूते चप्पल अपनी कीमत के हिसाब से बहुत मजबूत होते हैं, जैसे कि अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार। और यही वो वजह है कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा बाटा की तरफ झुकता है। लेकिन भाई, बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग बाटा को भारत की स्वदेशी कंपनी समझते हैं, जो कि अपने आप में बहुत सबसे बड़ा मजाक है। चलो तो भाई, सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि अब खोलते हैं बाटा की कुंडली। भाई साहब, बाटा चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। देखो, एक ही बार में बोल दिया, राहुल गांधी थोड़े ही हूं भाई जी। ये कंपनी शुरू हुई थी 1894 पर। वाकई मुझे अफसोस है कि मैं इसके उद्घाटन में शामिल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये आप सब जानते ही हैं। भाई साहब, बाटा परिवार शुरू में बहुत गरीब था, और एक छोटे कस्बे नुमा शहर में जूते चप्पल का काम करके बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाता था। लेकिन मेहनत बहुत करते थे भाई। फिर इसके परिवार में थॉमस ने जन्म लिया, जिसने इनकी पैसों की तंगी खत्म की अपना दिमाग लगाकर। थॉमस भाई साहब ने दिमाग लगाया और चमड़े के जूते सिलने के बजाय कैनवास के जूते सिलने शुरू कर दिए। इस काम में थॉमस की बहन एना और भाई एंटोनिन ने थॉमस की पूरी मदद की, दिल खोलकर मदद की। भाई, उनके जूते बहुत मजबूत, आरामदायक होने के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी होते थे, इसलिए जल्दी ही इनका यह धंधा बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ गया, और भाई लोग इनके जूते चप्पलों पर अपना प्यार बरसाने लगे। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये थी कि अब भी जूते चप्पल उन्हें हाथ से ही सिलने पड़ते थे। लेकिन आखिरकार 1912 में वो वक्त आ गया जब बाटा ने जूते चप्पल बनाने के लिए मशीन लगा ली, और लगभग 600 आदमियों को रोजगार भी दे दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी उतार चढ़ाव तो आने अभी बाकी है। बाटा का काम धंधा ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हुआ विश्व युद्ध, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई। अब हो गया अपना भाई थॉमस परेशान, और बाटा को होने लगा घाटा। थॉमस ने फिर दिमाग लगाया और अपने जूते चप्पलों पर 50% तक डिस्काउंट दे डाला, और इसी के साथ बाटा ने किया जबरदस्त टेक ऑफ, और इस टेक ऑफ के साथ ही विदेशों में भी कर ली अपनी कंपनी की लैंडिंग। और इसी के साथ 1924 तक 112 देशों में बाटा का कारोबार हो गया शुरू। भारत में बाटा थोड़ी लेट आई, यानी 1930 में, क्योंकि भारत में आना कोई हंसी मजाक थोड़े ही है भाई, जिगरा चाहिए जिगरा। दोस्तों, बाटा ने शुरू में भारत के कोलकाता के पास कोनार गांव में एक छोटा सा प्लांट लगाया। भारत में उस समय कोई कंपनी नहीं थी, बल्कि जापानी कंपनियां अपना माल जापान से लाकर भारत में बेचती थी, लेकिन बाटा ने भारत में प्लांट लगाकर गेम चेंज ही कर दिया। 1932 तक बाटा की डिमांड भारत में इतनी बढ़ी कि बाटा के प्लांट को दुगना करके उसका प्रोडक्शन भी दुगना करना पड़ा। बाटा के ठाट इतने बड़े हो गए कि जहां बाटा ने प्लांट लगाया वहां बन गई टाउनशिप, और उस टाउनशिप का नाम हो गया बाटा नगर। 1940 आते आते बाटा हर महीने लगभग 15,000 जोड़ी जूते बेचने लगी, और इसी के साथ लगभग 4,000 लोगों को उसने रोजगार भी दे डाला। भैया, बाटा कंपनी भारत में अपनी सफलता का कारण भी खुद ही बताती है। लो भाई, बाटा कहती है कि हम भारतीय मौसम और यहाँ के लोगों के पैरों के अनुकूल जूते चप्पल बनाते हैं, और यही हमारी सफलता का कारण है। भाइयों, फिलहाल बाटा का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। भाई, एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस समय हमारा भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूतों का उत्पादक देश है, और साथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूतों का उपभोक्ता भी है। भाई, फिलहाल भारत में बाटा के 1300 से ज्यादा शोरूम हैं, और वीडियो की शुरुआत में बताए गए हिसाब किताब को अगर देखें तो बाटा 126 साल पुरानी कंपनी है। भैया, पैरागॉन और खादिम से कंपटीशन तो बहुत मिला बाटा को, लेकिन बाटा ने अपनी क्वालिटी
और एडवर्टीजमेंट के दम पर अपने आप को अब तक संभाल रखा है। भगवान जाने आगे क्या होगा। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी बाटा के जूते जरूर पहने होंगे। आपकी बाटा की क्वालिटी के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बता दियो भाई। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को ठोक दो, अगर पसंद नहीं आया है तो भी इस चैनल पर रहम करो भाई रहम। वीडियो को सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा दो मेरे भाई। हम जल्दी आएंगे अगली वीडियो में ऐसी ही कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप अक्षय एंटरटेनमेंट के साथ बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।